Now, we are going to learn use of wood. हम wood का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं. देखिए हिंदी सेंटेंस के एंड में एगा, उंगा, जाएगा, जाऊंगा, खाएगा, खाऊंगा, पिएगा, पीऊंगा, इस तरह से ये शब्द आते हैं. तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है. देखिए वुड की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसी है. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसी है, पहले सब्जेक्ट लेने का, फिर वुड का इस्तेमाल करने का, वुड के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने का, उसके बाद उस सेंटेंस में के उस वाक्य में के दूसरे शब्द लेने का, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है. नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसी है, सब्जेक्ट लेने का, वुड लेने का, उसके बाद नॉट लेने का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने का, और उसके बाद उस सेंटेंस के दूसरे शब्द लेने का, अपना सेंटेंस बन जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसी है, पहले वुड लेने का, उसके बाद सब्जेक्ट लेने का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने का, उसके बाद उस सेंटेंस में दूसरे शब्द लेकर उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. देखिए यहाँ पर 8 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं. आपका मोबाइल बंद करने की आपको गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा. मेरे जिंदगी के बारे में तुम्हें बताना मुझे अच्छा लगेगा. एक प्रश्न तुम्हें पूछना मुझे अच्छा लगेगा. कुछ किताबें खरीदने के लिए मार्केट को जाना मुझे अच्छा लगेगा. एक चाय लेना मुझे अच्छा लगेगा. तुम्हारे पिताजी के साथ मिलना मुझे अच्छा लगेगा. भारत में नृत्य करना मुझे अच्छा लगेगा. रोहन को हमारे साथ खाना खाना अच्छा लगेगा. देखिए इन सभी सेंटेंसों के एंड में इस एगा 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 लगेगा एगा 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 ये शब्द आए. इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है. वुड का इस्तेमाल करके और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाएंगे. देखिए पहला सेंटेंस है, आपका मोबाइल बंद करने की आपको गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा. रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस सेंटेंस के एंड में जाकर हमें धीरे 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 पीछे आना होता है, अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है. ये देखिए जो पहला सेंटेंस है, आपका मोबाइल बंद करने की आपको गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए अंग्रेजी शब्द या सब्जेक्ट आता है आई. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस सेंटेंस में दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है. इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर एगा, इस एगा के लिए आएगा वुड. देखिए आई वुड उसके आगे और अच्छा लगने के लिए लाइक. देखिए आई वुड लाइक, आई वुड लाइक उसके अहली ओर इस तीन के ऊपर ना के लिए टू, गुजारिश करने के लिए आएगा रिक्वेस्ट. देखिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उसके अहली ओर आपको के लिए आएगा यू. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू उसके अहली ओर इस की के लिए आएगा टू, उसके अहली ओर बंद करने के लिए आएगा स्विच ऑफ और आपका मोबाइल के लिए योर मोबाइल. देखिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स. देखिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स. फिर से देखिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स. हम यहाँ पर इस सेंटेंस लिख कर बनाएंगे. पहले हम इस सेंटेंस को बोलते हुए हम अंग्रेजी में बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे. दूसरा सेंटेंस है, मेरे जिंदगी के बारे में तुम्हें बताना मुझे अच्छा लगेगा. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के एंड में एगा के लिए आएगा वुड. वुड के बाद कहीं भी कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक. देखिए आई वुड लाइक उसके अहली ओर इस तीर के ऊपर ना के लिए आएगा टू, बताने के लिए आएगा टेल, उसके अहली ओर तुम्हें के लिए आएगा यू, उसके अहली ओर बारे में के लिए आएगा अबाउट और मेरे जिंदगी के लिए आएगा माय लाइफ. देखिए आई वुड लाइक
to request you, I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. I would like to tell you about my life. अगला sentence है, एक प्रश्न तुम्हें पूछना मुझे अच्छा लगेगा. इस sentence में subject है मुझे, मुझे के लिए आएगा I. इस सेंटेंस के एम इस एगा के लिए आएगा वुड. अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक. आई वुड लाइक, आई वुड लाइक. उसके आई और इस ना के लिए आएगा टू. पूछने के लिए आएगा आस्क. तुम्हें के लिए आएगा यू. एक प्रश्न के लिए अ क्वेश्चन. देखिए आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. I would like to ask you a question. 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 कुछ किताबें खरीदने के लिए मार्केट को जाना मुझे अच्छा लगेगा. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है. अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है. मुझे के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के एंड में इस एगा के लिए आएगा वुड. अच्छा लगने के लिए लाइक. आई वुड लाइक. उसके आई और इस तीन के ऊपर ना के लिए टू. जाने के लिए गो. इसको के लिए टू. मार्केट के लिए मार्केट. उसके आई और के लिए टू. और खरीदने के लिए बाय. और कुछ किताबें के लिए सम बुक्स. देखिए I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. I would like to go to market to buy some books. अगला सेंटेंस है, एक कप चाय लेना मुझे अच्छा लगेगा. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के एंड में से एगा के लिए वुड. उसके आई और अच्छा लगने के लिए लाइक. आई वुड लाइक. उसके आई और इस तीन के ऊपर ना के लिए टू. लेने के लिए हैव. और एक कप चाय के लिए अ कप ऑफ टी. देखिए आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. तुम्हारे पिताजी से मिलना मुझे अच्छा लगेगा. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के एंड में से एगा के लिए वुड. अच्छा लगने के लिए लाइक. आई वुड लाइक. आई वुड लाइक. उसके आई और ना के लिए आएगा टू. मिलने के लिए आएगा मीट. और तुम्हारे पिताजी के लिए योर फादर. आई वुड लाइक टू मीट योर फादर. आई वुड लाइक टू मीट योर फादर. I would like to meet your father. 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 भारत के नृत्य करना मुझे अच्छा लगेगा. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए. इस सेंटेंस के एंड में से एगा के लिए वुड. अच्छा लगने के लिए लाइक. आई वुड लाइक. आई वुड लाइक. उसके आई और यहाँ तीन के ऊपर है ना. ना के लिए आएगा टू. नृत्य करने के लिए आएगा डांस. उसके आई और मे के लिए इन. और भारत के लिए इंडिया. देखिए आई वुड लाइक टू डांस इन इंडिया. 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 रोहन को हमारे साथ खाना खाना अच्छा लगेगा. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोहन.
सब्जेक्ट बोलने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को ना देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है। देखिए रोहन इस सेंटेंस के एंड में लगा के लिए वुड अच्छा लगने के लिए लाइक रोहन वुड लाइक उसके एलियोर इस ना के लिए आएगा टू खाना खाना खाने के लिए लंच और खाने के लिए हैव टू हैव खाने के लिए लंच। देखिए रोहन वुड लाइक टू हैव लंच साथ के लिए आएगा वी और हमारे के लिए आएगा अस। देखिए रोहन वुड लाइक टू हैव लंच विद अस 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 रोहन वुड लाइक टू हैव लंच विद अस। इस तरह से हमने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और वुड का इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया। अंग्रेजी बोलने के लिए इतनी स्किल काफी नहीं है कि सिर्फ हम हमारे दिमाग के आए हुए सेंटेंस अंग्रेजी में बना सके, इतनी ही काबिलियत अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं है। जितनी गति से हम हिंदी बोलते वक्त हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता, हम नहीं सोचते कि कौन सा शब्द कहाँ लिया जाए, कौन सा शब्द किसके बाद लिया जाए, ऐसी कोई भी सोच हमारे दिमाग में नहीं होती। डायरेक्टली कोई भी प्रेशर में लेते हुए, कोई भी ज्यादा नहीं सोचते हुए हम हिंदी बोलते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में हम जिस गति से हिंदी बोलते हैं, उसी गति से अगर हम अंग्रेजी बोल सके, जिस गति से हम हिंदी सेंटेंस बनाते हैं उतनी ही गति से हम अंग्रेजी सेंटेंस बना सके, बिना सोचे बिना टेंशन लिए हुए हम हिंदी सेंटेंस बनाते हैं उतने ही विदाउट टेंशन, उतने ही बिना सोचे हुए अगर हम ये अंग्रेजी सेंटेंस बना सकते हैं तो ही हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। और हमें बोलते वक्त हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, लिखते वक्त हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, कौन सा शब्द कहाँ लिया जाए उसके लिए हमें वक्त मिलता है, लेकिन बोलते वक्त हमें वक्त नहीं मिलता। इसलिए हमारी स्पीड है बोलने की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीड से सेंटेंस बनाने आना, गति से सेंटेंस बनाने आना ये भी जरूरी है। इसलिए हमें हमारी गति हमारी स्पीड भी चेक करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये जो 8 सेंटेंस है, ये 8 सेंटेंस मैं अंग्रेजी में बनाऊंगा, उन सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए बोलने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है, कितने सेकंड लगते हैं वो आपको चेक करना है। उतने ही सेकंडों में आपको इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाना है। पहले मैं कोशिश करता हूँ, आपके पास वॉच होगा, आपके पास मोबाइल होगा, वहाँ पर आपको चेक कीजिए कि ये 8 सेंटेंस हैं, इसे बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है ये आपको चेक करना है। अभी मैं शुरू करता हूँ। माई टाइम स्टार्ट नाउ। I would like to request you to switch off your mobiles. I would like to tell you about my life. I would like to ask you a question. I would like to go to market to buy some books. I would like to have a cup of tea. I would like to meet your father. I would like to dance in India. Rohar would like to have lunch with us. आपने मुझे इन 8 सेंटेंसों को बनाने के लिए कितना वक्त लगा है या आपने चेक किया होगा। आपको भी उतने ही सेकंडों में इन सेंटेंसों को, जब तक आप अंग्रेजी में नहीं बना सकते, आपको कोशिश करनी है आपको इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने के लिए कितना वक्त लगता है ये आपको चेक करना है। अभी ये वीडियो आपको है पॉज करना है, स्टॉप करना है और इस बोर्ड की ओर, इस इन सेंटेंसों की ओर देखते हुए आपके दिमाग में आपको चेक करना है कि इस सेंटेंसों को बनाने के लिए आपको कितने सेकंड लगते हैं। जब तक आप मेरी गति प्राप्त नहीं करते, जितने गति में मैंने, जितने सेकंडों में मैंने इन 8 सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया, उतने ही सेकंडों में जब तक आप इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में नहीं बना सकते, तब तक आपको कोशिश आपकी जारी रखनी है। मैं फिर एक बार, और स्पीड बढ़ाने के लिए कुत्ते जैसा भागना नहीं, आपको सेकंड प्राप्त करने इसलिए कुत्ते जैसा भागते हुए किसी भी सेंटेंस इस तरह से नहीं करना। अपने बातों में, अपने सेंटेंसों में, अपनी आवाज में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। योग्य जगह पर हमें रुकना चाहिए, योग्य जगह पर अपनी आवाज हमें बढ़ानी चाहिए, योग्य जगह पर अपनी आवाज में नीचे लेनी चाहिए। जिस तरह से कोई नेता भाषण देता है उस वक्त
उसके आवाज में कॉन्फिडेंस होती है, वो योग्य जगह को स्टॉप लेता है, योग्य जगह पर अपनी आवाज बढ़ाता है, उस तरह से इन सेंटेंसों को योग्य तरह से जो योग्य जगह पर पॉज देते हुए, योग्य जगह पर स्पीड बढ़ाते हुए, योग्य योग्य जगह पर स्पीड कम करते हुए, इंटोनेशन अपना वॉइस इसका इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसों को आपको अंग्रेजी में बनाना है। मैं फिर एक बार मेरी कोशिश करता हूँ, शायद आप मुझसे भी अच्छा बना सकते, मैं मेरी कोशिश करता हूँ, आपको आपकी कोशिश करनी है। इन 8 सेंटेंसों को योग्य तरह से, योग्य स्पीड से मैं अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक बार आपको मेरी स्पीड चेक करनी है। ओके, माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय लाइफ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। I would like to have a cup of tea. I would like to meet your father. I would like to dance in India. Rohan would like to have lunch with us. इस तरह से आपको कोशिश करनी है। अभी ये वीडियो आपको पॉज करना है और आपकी कोशिश जारी रखनी है। इसके बाद आपकी कोशिश होने के बाद फिर से आपको वीडियो ये प्ले करना है। इसके बाद हम इन सेंटेंस को लिखकर कैसे बनाया जा सकता है ये भी पढ़ेंगे। अभी वीडियो स्टॉप कीजिए, आपकी कोशिश जारी रखिए। जितने सेकंडों में मैंने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया है, उतने ही सेकंडों में इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए। बाद में ये वीडियो फिर से प्ले कीजिए और लिखते हुए इन सेंटेंसों को हमने कैसे पढ़ाया है ये आप देख सकते हैं। आपका मोबाइल बंद करने की आपको गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आर। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर एगा के लिए आएगा वुड। यहाँ पर एक के ऊपर एगा के लिए वुड, देखिए आई वुड। उसके आई और इस दो के ऊपर अच्छा लगने के लिए इस दो के ऊपर लाइक, आई वुड लाइक। इस तीन के ऊपर है ना, इस तीन के ऊपर ना के लिए आएगा टू। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। इस चार के ऊपर है गुजारिश करना, यहाँ चार के ऊपर गुजारिश करने के लिए रिक्वेस्ट, आर ई क्यू यू ई एस टी रिक्वेस्ट। उसके आई और इस पांच के ऊपर आपको के लिए आएगा यू। उसके आई और इस छह के ऊपर की के लिए आएगा टू। ये भी इन्फिनिटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, स्विच ऑफ यानी बंद करना, स्विच ऑफ और आपका मोबाइल, ए यूर मोबाइल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ यूर मोबाइल्स। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ यूर मोबाइल्स। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ मोबाइल्स। इस तरह से जब हम सेंटेंस बनाते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इजीली जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, कोई शब्द कहाँ लिया जाए, कौन सा वर्ब यूज किया जाए, कौन सा टेंस होता है, कोई टेंशन हमें नहीं होता। उसी तरह से जिस इन वाक्यों को बनाते हो इजीली ऑटोमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। इजीली हम जब तक सेंटेंस नहीं बना सकते तब तक हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। मेरे जिंदगी के बारे में तुम्हें बताना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में इस एगा के लिए आएगा इस एक के ऊपर वुड, आई वुड लाइक। यहाँ दो के ऊपर अच्छा लग, यहाँ दो के ऊपर अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक, आई वुड लाइक। इस तीन के ऊपर है ना, यहाँ तीन के ऊपर ना के लिए आएगा टू। इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चार के ऊपर है बताना, बताने के लिए आएगा टेल, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। पांच के ऊपर है तुम्हें, तुम्हें के लिए आएगा यू। छह के ऊपर है बारे में एक प्रीपोजिशन है अबाउट, मेरी जिंदगी के लिए माई लाइफ। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। एक प्रश्न तुम्हें पूछना मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आज। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को ना देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में कौन सा शब्द है देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर एगा के लिए अंग्रेजी, यहाँ एक के ऊपर आएगा वुड। इस दो के ऊपर अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक। इस तीन के ऊपर ना के लिए टू, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पूछने के लिए आएगा आस, तुम्हें के लिए आएगा यू। एक प्रश्न के लिए अ क्वेश्चन, अ यानी एक अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। कुछ किताबें खरीदने के लिए
मार्केट को जाना मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है कि मुझे के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में इस येगा के लिए वहां एक के ऊपर येगा है, एक के ऊपर येगा के लिए आएगा वुड। आई वुड इस अच्छा लगने के लिए यहाँ दो के ऊपर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक। आई वुड लाइक इस तीन के ऊपर ना ये टू, उसके बाद इन्फिनिटिव का फर्स्ट फॉर्म गो। इसको के लिए आएगा टू, इस छह के ऊपर मार्केट के लिए मार्केट। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट। सात के ऊपर के लिए टू। आठ के ऊपर खरीदने के लिए बाय, बी यू वाई बाय। और कुछ किताबें के लिए सम बुक्स। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। एक कप चाय लेना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में इस येगा के लिए आएगा वुड। आई वुड उसका एलियो इस अच्छा लगने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक। आई वुड लाइक इस तीन के ऊपर ना के लिए टू, लेने के लिए आता है आई वुड लाइक टू हैव। एक कप चाय के लिए अ कप, सी यू पी कप ऑफ टी यानी एक कप चाय। अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तुम्हारे पिताजी से मिलना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में येगा, येगा के लिए हां एक के ऊपर आएगा वुड। आई वुड अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म लाइक। आई वुड लाइक इस तीन के ऊपर है ना, ना के लिए आएगा टू, मिलने के लिए मीट नहीं तो सी आएगा मीट। तुम्हारे पिताजी के लिए योर फादर। आई वुड लाइक टू मीट योर फादर। आई वुड लाइक टू मीट योर फादर। आई वुड लाइक टू मीट योर फादर। I would like to meet your father. I would like to meet your father. I would like to meet your father. भारत में रहते करना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में एगा के लिए आएगा वुड। आई वुड अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक। आई वुड लाइक इस ना के लिए आएगा टू, नृत्य करने के लिए आएगा डांस। आई वुड लाइक टू डांस। इस पांच के ऊपर मे के लिए आएगा यू और भारत के लिए इंडिया। I would like to dance in India. 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 रोहन को हमारे साथ खाना खाना अच्छा लगेगा। रोहन सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के एंड में से एगा के लिए एक के ऊपर आएगा वुड। रोहन वुड अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक। रोहन वुड लाइक इस तीन के ऊपर है ना, ना के लिए टू, खाना खाना खाने के लिए यहाँ आएगा और इस खाना के लिए आएगा लंच UNCH और साथ के लिए आएगा विथ उसके आई और हमारे के लिए अस। रोहन वुड लाइक टू हैव लंच विथ 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 अस। इस तरह से हम आठ सेंटेंसों को वुड का इस्तेमाल करके अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हमने अंग्रेजी में बनाया। सिर्फ अंग्रेज हिंदी सेंटेंसों का अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी में बनाना इतनी ही काबिलियत अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं है। अपनी स्पीड, अपनी गति, राइजिंग इंटोनेशन, ये जो सभी इंटोनेशन, अपनी जो फोनेटिक्स है उसका भी इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने आना जरूरी है। और हमें ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम कौन सा वर्ब कहाँ लिया जाए, कौन सा शब्द का, ये जो दिमाग में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो जो प्रोसेस है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वो ऑटोमेटिकली बननी चाहिए, ऑटोमेटिक, ज़्यादा बिना सोचते हुए ऑटोमेटिक बननी चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। एक बार आपने सेंटेंस बनाया, मेरा काम हो गया, अभी खत्म। इस तरह से आप अगर सोचोगे तो आपको कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं होगा। आपको बार बार कोशिश करनी है, बार बार आपको आपका टाइम चेक करना है। मुझे इन सेंटेंसों को बनाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं ये चेक करना है। उसके साथ ही आपको स्पीड ही बढ़ानी है और आपको ये भी चेक करना है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, आवाज़ जो भी जगह पर रुकती है या रुकावट आती है वहाँ पर बोलते वक्त जैसे एक कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा रुकावट नहीं होनी चाहिए।
अगले इंसान पर, जो भी अगला इंसान हमारी बातें सुनेगा उस पर हमारी जो है अपनी अपनी पर्सनैलिटी की एक छाप उस पर पड़नी चाहिए। इसकी कोशिश आपको करनी है। फिर एक बार मैं मेरी कोशिश करता हूँ इन सेंटेंसों को बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है ये आपको फिर एक बार चेक करना है। ओके, माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। I would like to go to market to buy some books. I would like to have a cup of tea. My father, I would like to meet your father. I would like to dance in India. Rohan would like to have the lunch with us. इस तरह से आपको भी आपकी स्पीड बनानी है, कोशिश करनी है। मुझे जितने सेकंड लगे उतने ही सेकंड में योग्य तरह से सेकंड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए कैसे भी भागना नहीं है, तो उसमें योग्य तरह से अपनी आवाज, योग्य आवाज से उसमें को अपना कॉन्फिडेंस भरते हुए, जैसे हम कोई नेता जैसे स्पीच देता हो उसकी उसी तरह से हमें इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करने, शायद आप मुझसे भी अच्छा बना सकते। आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमने उड़ का इस्तेमाल पढ़ा है, कल हम शुड़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे, परसों कुड़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी कोशिश जारी रहेगी अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जोड़िए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से कंटिन्यूसली। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ये चैनल देख रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन के ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़े जाते हैं और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट के जरिए SMS का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों से ज़्यादा दोस्तों को हमारे इस चैनल से जोड़िए। इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।